दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनबॉक्सिंग पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं कुछ नए जगह में बैठा हूँ क्योंकि ये पार्सल इतना बड़ा है, मैं टेबल पे हो नहीं पा रहा था। तो ये है वो प्रोडक्ट जो मैंने बहुत ही सोच समझ के ऑर्डर किया है और इसका मैंने बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आप देख रहे होंगे पहले से खुला हुआ है ये, इसके बारे में बताता हूँ मैं कि जब आया चेक करने के लिए मेरे को खोलना पड़ा इसको, क्योंकि बहुत महंगा सामान था और सच बताऊँ तो बिना आप चेक किए पैसे देता नहीं हूँ मैं बॉय को जो भी देने आता है। तो खोलते हैं इसको, अब आप समझ गए होंगे क्या है ये, ठीक है। नहीं समझे होंगे तो मेरा पिछले वीडियो मैंने डाला है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर जानना चाहते हैं तो देखिए वीडियो को आगे। दोस्तों, ये रहा मेरा बहुत ही पसंदीदा प्रोडक्ट। बहुत भारी है दोस्तों, ज़्यादा भारी नहीं है लेकिन चौड़ा इसे उठाने में दिक्कत हो रहा है। ये लीजिए, अब आते हैं मेरे मेन डेस्क में। दोस्तों देखिए कितना बढ़िया पैकेजिंग है इसका, आप देख रहे हो क्या है ये। बैंक्यू का GW2780 ये मॉडल नंबर है। 27 इंच का मॉनिटर है। क्या क्या लिखा है इसका देखिए, फंक्शनलिटी जो भी है IPS में। आगे अंदर डिटेल में बताऊँगा आपको, अभी ऐसे ओवरव्यू कर लीजिए। HD में आई है, बेजल है, फुल HD है, HD में आई है, 1 सेंटीमीटर का है। इसकी प्राइसिंग दोस्तों मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, जितना लिखा है इतने में मिलता नहीं है, ऑफर में कम में मिला मेरा इसको। बहुत ही बड़ा है दोस्तों ये, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा होगा। तो इसके पहले मैं 19 इंच का मॉनिटर यूज करता था, तो बाद में भी दिखा दूंगा। और यह 27 इंच का, बहुत ही डिफरेंस है दोनों में। तो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है दोस्तों, हल्का से कुछ हुआ तो भारी नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं आराम से कर पाऊँ। को रखते हैं साइड में, आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ और क्या क्या मिला है। तो इसका क्या बोलते हैं कंपोनेंट है जो इसमें जॉइंट करते हैं अपन इसको स्टैंड करने के लिए। ये आपका बेस है, कैसे बेस में रहता है, और ये आपका ये जो मॉनिटर में अटैच होता है, दोनों अलग पार्ट है, दोनों जॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। और ये दोस्तों HDMI केबल, आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा, मैंने इसके लिए मंगा लिया था, अब मेरे को उसको वापस करना पड़ेगा, लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत अच्छा है वो। और ये मेरे ख्याल से दो मीटर भी नहीं होगा, है ना, तो वो मेरे 10 फीट का था, तो अच्छा है, उसको वापस नहीं करूँगा मैं, पहले ही यूज़ करूँगा। अगर मेरे को मान लिया कहीं चेंज करना है, मोटर दूर में रखना है, तब जाके मैं 10 फीट का यूज़ करूँगा। तो उससे नॉर्मल दिख रहा है, ये सिल्वर है, पता नहीं कौन सा है, लेकिन वो जो दिखाया था आपको अमेजन बेसिक वाला, वो गोल्ड प्लेटर है, वो बहुत अच्छा है, उसमें डाटा अच्छे ट्रांसफ़र होता है और उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ये इसका कुछ दिया है इंफॉर्मेशन इसके बारे में। ये इसका पावर कॉर्ड है, पावर केबल जो भी बोलते हो। दोस्तों इसका देख रहे होंगे, इसका सॉकेट जो है 16 एम्पियर का है, नॉर्मल जो अपना यूज़ करते हैं वो 10 एम्पियर का रहता है, 10 या 6 रहता है, तो ये बड़े वाले कॉर्ड में लगेगा, पावर प्लग जो होता है घर में आपके उसमें लगेगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 3-4 मीटर का होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। दोस्तों इसको मैंने जॉइन कर लिया है, सिंपल सा है, इसको मैंने अंदर घुसाया हुआ, यहाँ से स्क्रू था, इसको मैंने टाइट कर लिया, इसको भी खोल लेते हैं। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, वायर की भी इसकी भी, कार्बन फाइबर टाइप लग रहा है मेरे को ये, जबकि स्क्रैच नहीं आएगा इसमें जल्दी। दोस्तों 2 ही मीटर, आपको 4 मीटर बता रहा था। HDMI केबल है,
ये भी छोटे से ही है। दोस्तों ये वारंटी है इसमें, यूज़र मैनुअल है, इसको भी सेट करते हैं। दोस्तों पहले अपन इसको असेंबल कर लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं साथ में इसके, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। दोस्तों मैंने उसको कवर से निकाल लिया है, अब इसको चलिए जोड़ते हैं, जो इसका बेस कंपोनेंट है इसको जोड़ते हैं मॉनिटर के साथ। सिंपली फिट होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आया मेरे को, एकदम आराम से हो गया। तो इसको सीधा कर लेते हैं। इसको साइड कर लेते हैं, तो दिखाता हूँ इसका क्या लुक है, खतरनाक दिख रहा है। दोस्तों टिल्ट होता है, देखिए ऐसा करना चाहे कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। तो उससे बहुत ही मस्त लग रहा है, सच बताऊं यार, मज़ा आ गया देख के। तो दोस्तों ये रहा मेरा BenQ का GW2780 जो कि 27 इंच का मॉनिटर है। दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे बिल्कुल ही H2H डिस्प्ले है, नीचे वाला थोड़ा सा वो है, लेकिन ये इसमें अलग फीचर है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उससे फुल HD है, इसका पैनल IPS है, आप जानते होंगे IPS पैनल कितना अच्छा होता है, ठीक है। इसके दोस्तों इसमें 4 पोर्ट्स मिलते हैं हम लोगों को, जो कि एक VGA पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट है और ऑडियो इन पोर्ट है। तो अगर आपके तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ इसके पोर्ट्स। आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट वाला है ये डिस्प्ले पोर्ट है, सॉरी सेकंड वाला HDMI पोर्ट है, थर्ड वाला डिस्प्ले पोर्ट है, और देखिए फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला है ये ऑडियो इन एंड आउट पोर्ट है, पहला वाला शायद VGA पोर्ट है, ठीक है। दोस्तों देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे लोगोस बने हुए हैं, CE मतलब सर्टिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, बाकी सब मैं नहीं जानता हूँ, आपको बाद में बताऊँगा। इसको बाद में अनरैप कर देंगे, इसको निकाल देंगे। दोस्तों यहाँ देखिए 4 आपको होल दिख रहे होंगे, VSM माउंट कहलाता है, इसको दीवार में आप माउंट कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। इसमें है दोस्तों इनबिल्ट स्पीकर। दोस्तों इसका जो रिजोल्यूशन है इसका 1920x1080 है, ठीक है, जो कि फुल एचडी कंटेंट एकदम स्मूथली शो करता है, डिलीवर करता है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में जानते हैं इसका प्रोस क्या है। दोस्तों इसका एस्पेक्ट रेशियो जो है 16:9 है, इसका 60 हर्ट्स का डिस्प्ले है, रिफ्रेश रेट है इसका दोस्तों कंपनी बोलती है कि 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स है। मैंने बाकी और यूज़र से देखा है कि उन लोग फोर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे जो गेमिंग वाले जो होते हैं, जो मैं तो उतना गेमिंग के लिए लिया नहीं हूँ, मैं काम के लिए लिया हूँ, इसलिए 60 हर्ट्ज़ मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन गेम भी आप खेलेंगे तो फर्स्ट पर्सन वाला गेम वो भी उसमें आराम से डिलीवर करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल जो गेमिंग खेलते हैं 60 हर्ट्ज़ काफ़ी है उसके लिए, अगर हैवी गेम यूज़ करते हैं आपको उसके लिए कम से कम 2-3 ms रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बारे में और जानते हैं। दोस्तों इसमें देखिए आप नीचे देख रहे होंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया हुआ है, ये है ना, इसी जो आपका जो सराउंडिंग में एम्बियंट लाइट रहता है सराउंडिंग्स में आपके, उसको भाप लेता है और उसके अकॉर्डिंग अपने को डिस्प्ले जो ब्राइटनेस होता है उसको वो करता है, एडजस्ट करता है, ठीक है। दोस्तों इसमें व्यूइंग एंगल 178 डिग्री, चाहे आप यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें सब सेम दिखता है, क्योंकि इसका पैनल IPS है। बाकी आप पैनल देखे होंगे VF क्या क्या तो आता है, ठीक है, वो सब फालतू है, IPS पैनल बेस्ट होता है और हमेशा ही बेस्ट रहेगा IPS पैनल। दोस्तों इसमें आई कंफर्ट है, फ्लिकर फ्री आप जानते होंगे, कभी आप फ़ोन लेके अपना रिकॉर्ड करना है TV पे, वो तलका से ऐसे लाइन आता है, ठीक है, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। दोस्तों इसमें लो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी है, तो अगर आपको कभी अंधेरे में काम करना है, रात भर काम करना है, दिन भर काम करना है, ठीक है, उसको ऑन कर लीजिए सिंपली, यहाँ से ऑन हो जाता है, यहाँ बटन्स दिए हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो उसको ऑन कर लेंगे तो आपके आँख में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेन नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एकदम आइडल मॉनिटर है वर्क फ्रॉम होम के लिए, ठीक है,
गेमिंग भी अच्छी हो जाती है, मैंने इसमें सुना है इसके बारे में, तभी मैंने इसको ऑर्डर किया है दोस्तों। इसमें 3 साल की वारंटी मिलती है, कंपनी आपको ऑफर करती है 3 साल की वारंटी, ठीक है दोस्तों। आपको बताया है पहले भी, पीछे वैसा माउंट दिया हुआ है, 4 होल था जिसमें, उसको वैसा माउंट बोलते हैं। उसमें आप नॉर्मली दीवार में उसको माउंट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं आराम से। इसमें दोस्तों आपको केबल मैनेजमेंट दिया है, देखिए दिखाता हूँ आपको। ये अभी तो मैंने केबल लगाया नहीं है इसमें, जब यहाँ केबल लग जाएंगे ना HDMI वाले और पावर कॉर्ड वाले, तो यहाँ से आप लगा के इसके अंदर ये ऊपर वाला कैप खुल जाता है, ठीक है। अंडर डाल के इसको वापस बंद कर देंगे तो छुप जाएगा केबल आपका, तो वो देखने में सुंदर लगता है और इजर, मतलब टैंगल नहीं होता है आपके जो वायर रहते हैं, अगर अरेंज रहता है उसमें डाल देंगे तो दोस्तों ये आईपीएस पैनल है तो उसकी बेटर क्लैरिटी होता ही आप जानते ही होंगे दोस्तों। से जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप कार्बन का है, ठीक है, स्क्रैच नहीं मारता है बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल स्क्रैच नहीं मारता है। ये देखिए यहाँ पे अलग ही टेक्सचर दिया है, डायमंड कट दिया है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है दोस्तों। इसका वेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसका जो टोटल वेट है ये 4 kg 850 g है, जो कि ठीक है मॉनिटर के साइज के हिसाब से एकदम सफिशियंट है, ज़्यादा नहीं है भी नहीं है, कम भी नहीं है बोलूँगा। तो दोस्तों आइए इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ इसका जो, तो दोस्तों क्या है 27 इंच है, चलिए आपको नाप के दिखाता हूँ। ये रहा मेरा मेजरिंग टेप, इसको लगाया साइड में, मैं टच नहीं करूँगा अगर स्क्रैच आ गया तो। ये देखिए एकदम एक्यूरेट 27 इंच है, एकदम एक्यूरेट, ठीक है, तो कंपनी झूठ नहीं बोलती है, मैं ऐसे ही दिखा रहा था बस आपको। तो दोस्तों ये हो गया इसका प्रोस, अब आते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो दोस्तों आप, मैं आपको बताया पहले उसमें इनबिल्ट स्पीकर दिए हैं, स्पीकर दिया तो है अच्छी बात है, लेकिन जो इसका स्पीकर है ना, 2 स्पीकर हैं, वो 2-2 वोट के हैं, तो बहुत ही कम है। अगर आपको एकदम बूम ब्लास्ट साउंड सुनना है एकदम DJ वाला, तो वो आप इससे सफिस, आपको उससे वो नहीं मिल पाएगा, सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे इसके स्पीकर से आप। तो अगर आपको वह साउंड सुनना है तो आपको वूफर लेना पड़ेगा, या फिर नॉर्मल स्पीकर ले लीजिए, कोई सा भी साउंड बार ले लीजिए, इतना मस्त मस्त आता है, ठीक है। इसका स्पीकर नहीं है इसलिए मैं इसको कॉन्स में डाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसमें HDMI केबल जो है, कम से कम एक और देना चाहिए था, एक ही दिया हुआ है, लेकिन ठीक है मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन इसमें एक और देना चाहिए था, ठीक है। दोस्तों इसमें मेन दिक्कत यह है, इसमें हाइट जो रहता है ना, मान लीजिए कोई छोटा इंसान है, बड़ा इंसान है, और जो उसका चेयर है वो एडजस्टेबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं कर पाएगा वो, ठीक। अगर दोस्तों इसमें हाइट एडजस्टेबल दे देता ना तो अच्छा रहता, क्योंकि आप जानते हैं कि आँखों के लिए एकदम, आप जो भी कुछ देख रहे हैं, TV देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, एकदम पैदल रहेगा तो अच्छा रहता है, आपको नुकसान नहीं पहुँचता है, थोड़ा सा ऊपर चल देगा नीचे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, आँख ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें देना चाहिए हाइट एडजस्टेबल, जो कि नहीं दिया है कंपनी को, आगे जाके देना चाहिए। अब हो गया यही तक कॉन्स, ज़्यादा कॉन्स नहीं है, प्रोस बहुत सारे थे, कॉन्स कम है, इसलिए मैंने ऑर्डर किया दोस्तों। तो बस दोस्तों यही था आज के अनबॉक्सिंग में, हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो का लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही स्वस्थ रहें दोस्तों और अनबॉक्सिंग करते रहें। थैंक यू।